तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिनाइडर इलेक्ट्रिक के स्टॉक के बारे में। सिनाइडर इलेक्ट्रिक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद से अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब रिसेंटली स्टॉक ने यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे स्टॉक अपने इस प्रीवियस हाई को यहाँ ब्रेक नहीं कर पाया और अभी अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 1.67% की यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 338 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 367, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 395, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 436, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 475, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 500 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट स्टॉप और रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 325 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 304 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 289 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट स्टॉप ऑफ सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।